भगवान शिव के ऐसे रहस्यमयी मंदिर जिनके बारे में जान के आप हैरान हो जाएंगे। नंबर वन, बिजली महादेव मंदिर। इस मंदिर के शिवलिंग पर साल में एक बार बिजली गिरती है, जिसके बाद शिवलिंग टुकड़ों में बट जाता है। फिर मंदिर के पुजारी शिवलिंग को मक्खन में लपेटकर रख देते हैं, फिर कुछ ऐसा चमत्कार होता है जिससे शिवलिंग फिर से अपने आकार में आ जाता है। नंबर टू, अचलेश्वर महादेव मंदिर। शिव के इस मंदिर में रोज चमत्कार होता है। दरअसल इस मंदिर के शिवलिंग का रंग दिन में तीन बार बदलता है। सुबह के समय शिवलिंग का रंग लाल, दोपहर में केसरिया और शाम को सांवला हो जाता है। हैरान करने वाली बात है कि इस मंदिर के शिवलिंग का कोई छोर नहीं है। नंबर थ्री, लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर। इस शिव मंदिर की स्थापना श्री राम ने खर और दूषण का वध करने के बाद किया था। कहा जाता है कि श्री राम ने लक्ष्मण के कहने पर इस मंदिर को बनवाया था। इस मंदिर के शिवलिंग में 1,00,000 छेद हैं। इनमें से एक छेद ऐसा है जो पाताल से जुड़ा है। इसमें जितना भी पानी डाला जाता है सब समा जाता है। इसके अलावा एक छेद ऐसा है जो हमेशा जल से भरा रहता है। नंबर फोर, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। यह शिव मंदिर गुजरात राज्य में है। यह मंदिर दिन में दो बार कुछ समय के लिए गायब हो जाता है, ऐसा ज्वार भाटा आने से होता है। नंबर फाइव, तितलागढ़ शिव मंदिर। तितलागढ़ के कुम्हदा पहाड़ी में स्थित एक रहस्यमय मंदिर है, जहां बाहर की गर्मी के बावजूद मंदिर के अंदर हमेशा ठंडा महसूस होता है। यहां बाहर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन मंदिर के अंदर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है, और ज्यादा देर मंदिर के अंदर बैठने से ठंड की वजह से कंबल ओढ़ना पड़ता है। मंदिर के अंदर इतनी ठंड क्यों पड़ती है, इसका साफ पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि मंदिर में मौजूद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों से ठंडी हवा निकलती है, जिससे पूरा मंदिर ठंडा रहता है।